अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूं। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, जिस तरह मोटापा एक बीमारी है, उसी तरह जिस्म का कमज़ोर होना, पिचके गाल, सेहतमंद जिस्म ना होना, भरा भरा जिस्म ना होना भी एक मसला है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। फ्रेंड्स, हर बंदा चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, दिलकश नज़र आए, जो वो ड्रेस पहने वो ड्रेस उस पर अच्छा लगे। और फ्रेंड्स, उस ड्रेस को जिस्म पर अच्छा लगने के लिए चाहिए ये होता है कि आपका जो जिस्म है वो ना तो बहुत मोटा हो और ना ही बहुत दुबला पतला हो। अब ऐसा भी जिस्म ना हो कि लोग कहें कि भाई हैंगर पे या फिर जो होता है ना तार पे कपड़े लटकाए हुए हैं। जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस्म को भरा भरा सेहतमंद बनाने के लिए, गालों को भरा भरा बनाने के लिए, चेहरे पर लाली लाने के लिए, चेहरे को खूबसूरत भरा भरा बनाने के लिए डिफरेंट तरह की फिर ये होते हैं ना डाइट यूज़ की जाती हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ की जाती हैं, टॉनिक्स यूज़ किए जाते हैं और सब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत सस्ता, एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत पावरफुल, जिस्म को खूबसूरत भरा भरा बनाने वाला एक हर्बल, एक रेमेडी। फ्रेंड्स, ये जो हर्बल रेमेडी है, इस हर्बल रेमेडी से आप ये देखिएगा कि विद इन फ्यू डेज में आपका जो वेट होगा वो इंक्रीज होगा। मतलब ये नहीं कि आप मोटे होंगे, मोटे आप नहीं होंगे हरगिज भी। आपका जो होगा ना एक हेल्दी वेट होता है, जो एक सेहतमंद वजन होता है, सेहतमंद वजन आपका बढ़ेगा, आपका जिस्म जहाँ जहाँ से बढ़ना है वहाँ से भरेगा, आपके गाल भरे भरे हो जाएंगे, आपका चेहरा बड़ा प्यारा प्यारा हो जाएगा, बड़ी क्यूटनेस आएगी आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर लाली आएगी। साथ में फ्रेंड्स, ये होगा कि आपका जो आसाबी कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप मोटे होंगे, ना ना ना, हरगिज भी आप मोटे हरगिज भी नहीं होंगे। बस आप एक होता है ना, एक जो आइडियल, एक जो होता है ना बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, आपका आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ मेरे भाई जो होते हैं वो जिम जाना चाहते हैं, लेकिन ये होता है कि उनका जिम जाने के बावजूद भी उनका जो होता है ना बॉडी नहीं बन रही होती है या वेट गेन नहीं हो रहा होता, उसके लिए फिर होता है कि वो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स आपको पता है कि वैसे भी उसमें स्टीराइड्स होते हैं, स्टीराइड्स जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो वो मेरे वो भाई भी स्टीराइड्स यूज़ ना करें। वो जो मैं आपको आज एक हर्बल रेमेडी बताऊँगा वो हर्बल रेमेडी यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि उस हर्बल रेमेडी के यूज़ से आपका इंशाल्लाह वेट भी बढ़ेगा और आपका जो होता है ना वो जो मसल्स पावर होते हैं, इंशाल्लाह आपके जो मसल्स भी बनेंगे और आपकी बॉडी बड़ी खूबसूरत शेप में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बॉडी को खूबसूरत बनाने वाली, गालों को भरा भरा बनाने वाली, चेहरे पर लाली लाने वाली, बॉडी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने वाली इस हर्बल होम रेमेडी के बारे में बताऊं, उसके नाम के बारे में बताऊं, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, उसके यूज़ के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपने करना ये होगा, आपने लेने हैं एक पाव ब्लैक तिल। काले तिल होते हैं, जिस तरह एक सफ़ेद तिल होते हैं ना वाइट वाइट, इसी तरह फ्रेंड्स ब्लैक तिल होते हैं। ब्लैक तिल आपने लेना है एक पाव, एक पाव आपने इतने ले लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने लेनी है आधा पाव मिश्री। मिश्री होते हैं वो डलियां होती हैं कि इस तरह वाइट वाइट क्रिस्टल टाइप, वो आपने आधा पाव मिश्री लेनी है। साथ में फ्रेंड्स आपने उसमें डालना है जो नारियल होता है, खोपरा होता है ना, खोपरा आपने पीस के, नारियल जो कोकोनट होता है, कोकोनट पाउडर भी आपने उसमें आधा पाव डालना है। साथ में फ्रेंड्स आपने डालना है जो बादाम होता है ना, मीठे बादाम, मीठे बादाम की आपने जो गिरी होती है, बादाम की गिरी, वो आपने एक छटांक डालनी है इसमें। ये चारों चीज़ें आपने डाली, उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसे अच्छी तरह ग्राइंडर में इसे जो होता है ना ग्राइंड कर लेना है, ताकि बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी तरह पिस जाए, क्योंकि जितना अच्छा ये पीसेगा उतनी अच्छा ये रिजल्ट आपको देगा। अगर आपके घर में ग्राइंडर नहीं है तो जो हवन दस्ता है ना, हवन दस्ते में आपने इस तरह इसे कूट के इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने किसी जार में इसे रख देना है, एयर टाइट जार में। उसके बाद फ्रेंड्स रात को सोने से पहले आपने डेढ़ से दो चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ आपने डेली खाने हैं। रात को सोने से पहले डेढ़ से दो चम्मच आपने बड़े जो टेबल स्पून होते हैं ना वो नीम गर्म दूध के साथ खाना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, उसके बाद आपने सो जाना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको
गारंटीड कहता हूँ कि विद इन फ्यू डेज में आप ये देखिएगा कि आपके जो गाल हैं वो भरे भरे हो रहे हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो खूबसूरत हो रहा है, आपका जिस्म भरा भरा फील हो रहा है, मोटे हरगिज नहीं होंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मोटे आप नहीं होंगे, जस्ट आपका एक जो इतना एक हेल्दी वेट, आप हेल्दी वेट गेन करेंगे और आपकी जो इतना एक वो जो आपकी खूबसूरती जिस्म की होती है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कोई मैं अपनी बहनों की बात करूँगा, वो कोई ड्रेस पहन रही हैं तो वो उनकी बॉडी पर अच्छा लगेगा।